लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Maria, Maria, look who's here. Navin, good evening, how are you? Shekhar. Namaste. How do you do? This is my son Shekhar, Mrs. Dantia. So, how was it in Venice? We didn't go. Maria had a dog show last week. Oh, that was last week. That's right. Oh, wonderful. Tu bhi na? इतना मैदा और चीनी केक और केक बन जाए और ये किशमिश उस पे सजाने के लिए। प्लीज गर्ल्स, एक और केक का नाम भी मत लो, बस प्रार्थना करो कि जो तीसरा केक है ना वो तुम्हें आ रही है। क्या चलने की बदबू? ओह माय गॉड, एक और सामान की लगनी चालू, ब्लड निकालो। इस केक का तो राम नाम सत्य है। चुप। आइए मेहरबान। क्या हो रहा है यहाँ? हो नहीं रहा है, होगा चौथा केक जो आप बनाएंगी। शुक्र है ललिता, तू आ गई। अब गिरिजदा के सामने हमारी इज्जत का फलूदा तो नहीं बनेगा। फलूदा नहीं, केक। ओ यस। किसके सामने? मेरे भाई के, गिरीश। गिरीश आ रहा है ना आज रात की फ्लाइट से लंदन से। हाँ, और उसे मेरे हाथ के बने केक बहुत अच्छे लगते हैं। आपके? हाँ। तुम लोग तैयार हुए कि अभी तक केक बन रहा है? बन नहीं रहा है भैया, जल रहा है। चुप। जाओ तुम दोनों जाके जरा साफ सुथरे होकर आओ। भाभी आप भी जाइए, मैं केक बना देती हूँ। थैंक यू, मैं तेरी मदद करती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ, पर्स रख लिया है। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, वो तुमने हाँ पेट्रोल भरवा लिया है, अब चले? हाँ हाँ, मैं क्या कुछ बोल रही हूँ, तुम ही तब से बोलते जा रहे हो। चलो चलो, कितनी देरी हो रही है, चलो। अच्छा सुन, केक का ध्यान रख लेना, दरवाजा बंद कर लेना, ललिता खीर भी देख लेना। जी भाभी। हेलो, आई एम गायत्री तांतिया। हेलो, आई एम शेखर, जानती हूँ। एक सेकंड के लिए मैं भूल ही गया कि मैं कौन हूँ। हैप्पी बर्थडे बाय। सो यू टू हैव मेट जस्ट नाउ। जानती हो गायत्री, शेखर को म्यूजिक का बहुत शौक है। हाँ, पर शौक शौक ही रहे तो ठीक है। कम ऑन नवीन बाबू, टेक इट इजी। हेलो, हाय शेखर। हे सिद्धार्थ। हे, वेयर इज योर ड्रिंक? आई डोंट हैव वन। लुक एट माय सिस्टर, तुमने पूछा भी नहीं शेखर से। कम ऑन, आई विल फिक्स योर ड्रिंक। कम ऑन नवीन बाबू, ये दार्जिलिंग टी एस्टेट वाली डील है ना, शेखर और सिद्धार्थ को करने देते हैं। हाँ, हमें और तुम्हें जो करना था हम लोग कर चुके, अब इन दोनों की बारी है। सो अ बिजनेसमैन हु इज नॉट क्वाइट अ बिजनेसमैन, आई लाइक दैट। वेल, नॉट अ बिजनेसमैन, जस्ट अ म्यूजिशियन। आई लाइक दैट इवन मोर। व्हाट डू यू प्ले? पियानो। डिड आई से समथिंग फनी? मुझे अपने पियानो लेसन याद आ गए। आप भी पियानो बजाते? नहीं, कोशिश की थी मैंने, नहीं टीचर्स ने सिखाने के लिए। सातों के सातों भाग गए एक एक दिन सिखा के। Cowards. Imagine, आज आप कॉन्सर्ट दे रहे थे। Of course. लेकिन फिर शायद आपसे मुलाकात नहीं होती। Yes! हेलो, हेलो दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स। हाँ, मैं 56 बाग बाजार से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ की बिजली चली गई है, किसी को जल्दी भेज सकेंगे आप? That was a piece of cake. Like it? मैंने बनाया है। Really? Are you mad? फ्लोरिस से मंगाया है। मुझे तो पानी उबालना भी नहीं आता, पर तुम फिक्र मत करो, डैड ने कहा है जब मेरी शादी होगी वो मेरे साथ 6 कुक्स भेज देंगे। वो तो 12 की बात कर रहे थे, पर मैंने कहा 6 काफी। एक पानी उबाल देगा, एक चाय बना देगा, 1 for cake. Is that okay with you? Or should we ask for 12? आ रही हूँ बाबा। ओफो, आ रही हूँ, कितनी बार दरवाजा। इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ, वो सोचा कि जल्दी आऊंगा तो अच्छा रहेगा ना। और आप? हाँ, मैंने ही फोन किया था इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन? बस केक अवन में डाला, प्लग लगाया कि धब से फ्यूज उड़ गया।
अब आप अंदर भी चलेंगे या बिजली बाहर से ही बन जाएगी? क्या हुआ? वो फ्यूज उड़ गया। चलिए। ये क्या है? सूट, मेरा मतलब टूल बॉक्स। पता नहीं कितना काम निकला है, इसलिए पूरा सामान लेके चलता हूँ। अच्छा, अच्छा ये रहा फ्यूज बॉक्स। ये पकड़िए। ओहो, बहुत गड़बड़ है। बहुत आटा लगा है फ्यूज में। एक मिनट, आप ये अब ठीक है? अब तार है? क्यों, आपके पास नहीं है? ये पिन चलेगा। वैसे आपके बाल ना खुले बहुत अच्छे लगते हैं। हथौड़ा है? हथौड़ा? हाँ, दीवार तोड़ के वायर चेक करना है ना। बाप रे, ये तो लंबा चक्कर निकला। ये चक्कर तो बहुत लंबा चलेगा, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं, इसलिए मैं पूरी तैयारी में निकलता हूँ। सर, टूल बॉक्स खोलिए, खोलिए, खोलिए। ये तो शेविंग किट है, रोज शेविंग की आदत है ना मुझे। देखिए मिस्टर, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, थोड़ा कैंडल ऊपर करेंगे। अब ठीक है। आपको क्या लगता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आसान होता है? कहां कहां नहीं जाना पड़ता है? अमेरिका, जापान, अभी अभी लंदन से आ रहा हूं। जहां भी जाता हूं लोग मुझे मेरे नाम से पुकारते हैं। गिरीश, ये देखना, ये यहां खड़ा है। गिरीश? गिरीश शर्मा। और ये देखिए गिरीश, तू भी ना, हम कितनी देर से एयरपोर्ट पे तेरा इंतजार कर रहे थे। हां, और तू यहां कुर्सी पे? पर तू कुर्सी पर क्यों खड़ा है? कम ऑन दीदी, कैसा है तू? हेलो गिरीश दा। ललिता दीदी ने कहा था क्या कुर्सी पे खड़े होने के लिए? वो तो मैं फ्यूज वो फ्यूज उड़ गया था दीदी। दीदी वो केक का क्या हुआ? अच्छा फिर? मैंने कहा उस अंग्रेज से, मैं आपके स्टील प्लांट में काम मांगने नहीं। हाँ, उसे खरीदने आया हूँ, ले केक का। Of course, दीदी, I want to buy it. बड़ा ढेर हो गया। दीदी, तुमने केक बनाना सीख लिया? Thanks. फिर क्या हुआ? मैंने स्टील प्लांट खरीद लिया, वो मेरा पहला स्टील प्लांट था। And the rest, as I say, is history. इसके बाद तो इन्हें स्टील प्लांट खरीदने की आदत सी पड़ गई। इस बार भी स्टील प्लांट खरीदने आए हैं आप? नहीं, इस बार तो स्पेशली बुलाया गया फ्यूज बनाने। अच्छा अच्छा, मजाक छोड़िए। एक्चुअली मैं यहाँ दो जरूरी काम के लिए आया, एक अपने टाटा नगर प्रोजेक्ट के लिए मैनेजिंग पार्टनर ढूंढने, और दूसरा चारू को अपने लाइफ पार्टनर से मिलाने। एक बार चारू को देख लेगा ना कैंडल लाइट में, लव एट फर्स्ट साइट, फिर उसे एक केक खिलाकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। ऐसे आपके लंदन में होती होंगी शादियाँ, शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है। You're right, खेल थोड़ी है। क्यों दीदी? खेल की बात हो रही है तो एक खेल है जिसमें मैं अपने फॉरेन रिटर्न भाई को भी धूल चटा सकती हूँ। कौन सा? फ्लैश। वैसे आज तक मैंने आपको कभी जीतते हुए तो देखा नहीं। क्यों क्यों क्यों, जीत सकती हूँ अगर ललिता साथ दे तो। अरे नो वे दीदी, आजकल मैं भी चैंपियन हो गया हूँ। आप ललिता दीदी को नहीं जानते? अरे खूब जानता हूँ, बहुत देखे हैं इसे। ओ, ऐसी बात है तो चैलेंज चैलेंज। मैं जानता था तुम कहीं ना कहीं से बात ताश पर जरूर ले आओगी। तो तय है कल दोपहर को ताश जमेगी। दोपहर को कैसे होगा, मेरा तो ऑफिस है। तो फिर ऑफिस के बाद शाम को। ओके। शेखर बेटा, बताना कैसी थी लड़की? ठीक थी। अरे ठीक से बताना, कैसी थी? लंबी थी, मोटी थी, नाटी थी, बताना। माँ, जैसे लड़की होती है वैसी थी बस। गुड मॉर्निंग। अरे ललिता, ले तू इसे पूछ के बता कैसी लगी लड़की, मुझे तो ये कुछ नहीं बता रहा। बताओ। देखा पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं, कल यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। गुड लुकिंग? कौन, पंडित जी? कल शाम पंडित जी को देखने गए थे, बहुत खूबसूरत है, गायत्री, तात्या। कोई खास तो नहीं, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। क्या पहनी थी? वो गाउन टाइप का, यू नो, वेरी इंग्लिश, अच्छा ड्रेस था।
किस रंग का? पिंक, स्लाइटली डार्क, यू नो, ऑफ शोल्डर, और गले में बीट्स का वो चोकर ही कहते हैं ना? हाँ शायद, ध्यान ही कहाँ दिया तुमने? और पता है, इतनी ऊंची हील्स पहन रखी थी उसने, तुम पहनती तो गिरी जाती। क्यों? मैं नहीं पहन सकती हील्स। तुम? अरे ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं है भाई, और वैसे भी तुम क्यों पहनोगी? क्यों नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तुम क्या जानो? अरे क्या हो गया तुम्हें, ये सब तुमको कभी पहले पहने नहीं देखा इसलिए जो देखा नहीं वो कभी हो नहीं सकता क्या? अरे कहाँ जा रही हो तुम, मेरे गाने पे कब काम करोगी? गाने पे काम कर रही है मेरी हाई हील्स। अरे सुनो तो, ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाय। दीदी आ जाना जल्दी आज। हेलो, ठीक हो रे बोश? काम पूरा हो जाएगा तो आ जाऊंगी। अरे कोई बहाना करके आ जाना। ट्राई करूंगी। प्लीज दीदी जल्दी आ जाना। सुनीता भाभी को ताज कहाँ आता है? प्लीज दीदी प्लीज, तेरी बिना मैं हार जाऊंगी। दीदी 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 मेरी हाइस क्यों पहनी है? उतारो उतारो, दीदी टूट जाएगी। बोला था ना संभाल के। You're looking lovely. Nice heels, man. Thanks. Bye. How was your holiday? It was great. Oh! ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? Clumsy girl. Sorry, sir. Files उठा रही हो या ताक झांक कर रही हो? नहीं सर, मैं तो बस। Shut up. सर, तो मतलब कि सुबह सुबह डोज मिल गया? हाँ, और सुनिए ना, धपाक से धक्का लगा और सर से सारे पेपर संभाल के। आप अपने पेपर्स कभी ठीक से नहीं रखेंगे, है ना? तुम तो चाय नहीं पियोगी ना? नहीं। थैंक्स। अच्छा चैटर्जी अंकल। हाँ। ये हेरिटेज होटल कौन सा प्रोजेक्ट है? हेरिटेज होटल नहीं तो मुझे पता नहीं ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में। क्यों, किसी ने कुछ बताया क्या? नहीं नहीं, गिरे हुए पेपर्स में एक फाइल थी, उसी पर लिखा था। क्या लिखा था और कुछ देखा? कैसे देखती, अंकल ने पटाख से छीन जली। हिटलर राय को तो तुम जानती ही हो। इससे पहले कि डोज ओवरडोज बन जाए मैं चलती हूँ। हे ललिता। हाँ? आजकल क्या कुछ टॉनिक शॉनिक ले रही हो? नहीं तो क्यों, बड़ी लंबी हो गई हो रातों रात। चैटर्जी अंकल।